गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई होप एवरीबडी सेफ एंड हेल्दी टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड लेसन ऑफ सोशल स्टडी दैट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया व्हाट डू मीन बाय द क्लाइमेट जी हाँ जैसे कि जो हमारे वेदर कंडीशन होती है हमारे इंडिया की उसको हम पढ़ेंगे आज हियर फर्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट What do you mean by weather and what do you mean by the climate? What is the difference between weather and climate? Do you know? आइए हम जानते हैं। Weather refer to the condition of the atmosphere at a particular place at a given time। Okay, वेदर क्या कहलाता है? एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस की हो उस गिवन टाइम में उसको हम वेदर कहते हैं एग्जाम्पल देखिए इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे यानी कि आज कैसा था बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी इट इज़ अ क्लाउडी आउटसाइड यानी कि बाहर अभी बादल हैं तो ये किसके बारे में बात हो रही है वेदर के बारे में ये देखिए वेदर कंडीशन आपने जो है न्यूज़ चैनल्स में देखी भी होगी सनी क्लाउडी स्नोई रेनी विंडी आइजी ओके तो ये सब क्या कहलाती हैं वेदर कंडीशंस कहलाती हैं लेकिन वहीं क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है क्लाइमेट रिफर टू अ वेदर कंडीशन दैट जनरली प्रवेल इन अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके यानी कि क्लाइमेट हम उस चीज़ को रिफ़र करते हैं उस वेदर कंडीशन को जो कि लार्ज एरिया में रहती है यानी कि बड़े एरिया में होती है और बहुत ही लंबे समय तक के लिए होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं ओके इट मीन्स इट इज़ अ वेरी कोल्ड इन इन द हिमालियाज हिमालिया में बहुत सर्दी है द कोस्टल एरियाज वार्म एंड वैट कोस्टल एरिया कैसा है वाम गर्म और गीला है तो ये क्या है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है ये जल्दी से चेंज नहीं होता लेकिन वेदर क्या होता है कुछ गिवन टाइम के लिए होता है जैसे कि आज सुबह मैंने बोला आज बहुत ही ज्यादा गर्मी थी तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्लियर होगा और वेदर और मतलब हम क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से ही जो है हम अपने क्लोथ्स पहनते हैं उस तरीके का हम जो है कपड़े पहनते हैं फूड खाते हैं है ना उस टाइप की क्रॉप्स जो हैं ग्रोन की जाती हैं उस वैसे हाउसेस में हम रहते हैं ना ये सभी चीज़ें यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ हमारी पूरी लाइफ जो है क्लाइमेट पर डिपेंड रहती है ओके टर्न पेज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैदर एंड क्लाइमेट अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वैदर और क्लाइमेट को अफ़ेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पर आपको several, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वैदर को अफेक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं दीज फैक्टर इंक्लूड इंक्लूड द टेम्परेचर वंड मॉइस्चर इन द एयर क्लाउड कवर रेन एंड द एयर प्रेशर ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे वैदर को इफ़ेक्ट करती हैं यानी कि टेम्परेचर कितना है हवा है ना मॉइस्चर क्या है एयर में क्लाउड्स है ना कवर बारिश और एयर का प्रेशर ये सभी जो है हमारे क्लाइमेट को वैदर को इफेक्ट करते हैं ओके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर से जो है हमारे अर्थ में इक्वेटर है ना आपको पता है तो इक्वेटर से कितनी दूरी पर है हमारा जो भी कंट्री है या कुछ तो उससे भी हमारे जो है क्लाइमेट में इफेक्ट होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल सी लेवल से जो है हमारी जहाँ हम रह रहे हैं उस लैंड की हाइट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट द वैदर एंड द क्लाइमेट ओके नेक्स्ट टॉपिक इज वाट आर सीजन्स अब सीजन्स क्या होता है हमने वेदर पढ़ा क्लाइमेट पढ़ा लेकिन सीजन हम किसे बोलते हैं ये देखिए अ सीजन इज अ पार्ट ऑफ द ईयर वैन द वेदर कंडीशन इन एन एरिया रिमेन सिमिलर विद अ लिटिल वेरिएशन सीजन वो पार्ट होता है ईयर का यानी कि साल में एक मौसम क्या होता है सीजन क्या होता है एक ऐसा पार्ट होता है ईयर का जहाँ पे वैदर कंडीशन जो है उस एरिया में सेम रहती है सिमिलर रहती है लिटिल वेरिएशन हल्की वेरिएशन के साथ जैसे कि एग्जाम्पल अप्रैल से जून में है ना अप्रैल से लेकर जून तक जो है वैदर कंडीशन हमारी कंट्री की यानी कि इंडिया की कैसी रहती है हॉट रहती है ठीक है दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ नोन एज द समर सीजन और इस टाइम को हम क्या कहते हैं समर सीज़न कहते हैं ज़्यादातर तो वर्ल्ड में जो है फोर मेन सीजन्स होते हैं समर ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग ओके लेकिन हमारी कंट्री में एक एक्स्ट्रा सीजन भी होता है जिसको हम रेनी सीज़न या मानसून भी कहते हैं ओके okay? आइए इन सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट इज समर सीजन द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू मार्च अप्रैल एंड लास्ट टिल मई जून ये कब से कब तक कब स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में शुरू होता है और मई जून तक चलता है ओके okay? यहाँ पे इस सीज़न में टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है पूरे साल में जो है इसी टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मे और जून तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ कहलाते हैं ईयर के ओके okay? लेकिन समर जो है सभी पार्ट में इंडिया के एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर ठीक है समर समर में जो है इंडिया के सभी पार्ट में जो है हॉट और ड्राई वेदर होता है लेकिन माउंटेन रीजन्स में ऐसा नहीं होता ठीक है और जो कोस्ट कोस्ट के आसपास के जो है आ, एरिया होते हैं वहाँ पे भी जो है ठंडक होती है क्यों होती है वहाँ पे ठंडक क्योंकि वहाँ पे सी ब्रीज होती है यानी कि समुद्र से ठंडी हवा होती है इसलिए वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कैसा होता है ठंडा होता है समर सीज़न में भी ओके अ हॉट ड्राई विंड कॉल लू और गर्म हवा को हम क्या कहते हैं लू कहते हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन में हॉट समर सीज़न में के दौरान चलती है ठीक है और इस टाइम पे थंडर स्टॉम और डस्ट स्टॉम भी हमने देखे हैं कुछ रेल हिल स्टेशन्स हैं जैसे कि नैनीताल मसूरी शिमला दार्जिलिंग उदग उद्गमंडलम उद्ग, और कोडाई कैनल है ना ये जो है पूरी तरीके से टूरिस्ट से भरे होते हैं समर सीज़न में क्योंकि यहाँ का टैम्परेचर जो है कूलर होता है समर सीज़न में भी ओके नेक्स्ट इज़ मानसून और रेनी सीज़न मानसून और रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे अब हम तो मानसून सीजन या रेनी सीज़न इंडिया में किस मंथ से आता है जून से लेकर सितंबर तक रहता है विंड कैरी मॉइस्चर ब्लो ब्लो फ्रॉम दी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बेंकॉल टूवर्ड तो दी लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हवा होती है वो मॉइस्चर जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के टूवर्ड ले जाती है ठीक है अरेबियन सी से बे ऑफ़ बंगाल की तरफ ले जाती है इसको हम क्या मानसून विंड कहते हैं ठीक है थीके? इस समय जो है रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल जो है हमारे इंडिया के सभी पार्ट में बराबर नहीं होता जैसे कि राजस्थान ये बहुत ही ज़्यादा कैसा है सूखा एरिया होता है यहाँ पे रेनफॉल जो है सभी पार्ट में नहीं हो पाती लेकिन मेघालय जो है सबसे ज़्यादा वेट जो है प्लेस मानी जाती है ईयर ठीक है हमारे इंडिया की और मानसिन राम जो है मेघालय में जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एवरेज रेनफॉल होता है इंडिया में ठीक है और ये जो है सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड की ठीक है और कोरामंडल कोस्ट जो है वहाँ पे तो जो है नवंबर दिसंबर के महीने में भी बारिश देखने को मिलती है विंटर अब विंटर सीजन क्या होता है ये जो है नवंबर से स्टार्ट होता है और फेबररी तक रहती है हमारे इंडिया में कोल्डेस्ट मंथ जो है दिसंबर और जनवरी होता है द डे आर शॉर्टर वाइल्ड द नाइट आर लॉन्गर जो दिन होता है वो बड़ा होता है और ना रात जो है वो क्या होती हैं अभी बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं ठीक है विंटर सीजन के टाइम पे नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन जो है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होते हैं और कोस्टल प्लेन जो है इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट वीदर यानी कि वहाँ का वैदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस समय में तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल जो है इसी समय में देखा जाता है टर्न द पेज नेक्स्ट सीजन इज स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन क्या होता है स्प्रिंग सीजन जो है विंटर के बाद आफ्टर द विंटर एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द समर समर के आने के पहले और विंटर के बाद पड़ता है उस सीजन को हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं इस समय ना तो ज़्यादा गर्म होता है टेम्परेचर क्लाइमेट ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ठीक है मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़ गेट न्यू लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ में इस समय न्यू लीव्स आते हैं और फ्लावर जो है प्लांट्स और ट्रीज़ में जो है नए नए फ्लावर भी इस समय में आते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ ऑटम ऑटम सीज़न जो है रेनी सीजन के बाद में आता है और विंटर होने से पहले पड़ता है ऑटम सीजन वैदर जो है इस टाइम का कूल cool होता है और प्लीजेंट होता है ठीक है मैनी ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर इस टाइम पे बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ठीक है हेयर योर लेसन इज कम्प्लीटेड आई होप आपको सीजन्स के बारे में वैदर और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है समझ आई होगी Thank you.